हेलो गुड आफ्टरनून आई होप यू आर डूइंग फाइन भैया क्लास हल्का सा लेट हो गया दो तीन मिनट पांच मिनट क्योंकि मेरे को मेरी स्लाइड ही नहीं दिख रही थी मैंने पीपीटी बनाई थी और वो गायब ही हो गई अचानक से और फिर पीडीएफ शुक्र है बन सेव करके रख ली थी मैंने पीडीएफ और अभी उससे काम चला रहे हैं तो थोड़ा सा उस तरीके का हिसाब किताब तो नहीं होगा जैसे कि पीपीटी पे दे रहे थे बट ठीक है करते हैं क्या मैनेज होता है चलो पहले पता तो लगे मैं आई हूँ कि नहीं बताओ देखो यहाँ तो दिखी नहीं रही मैं अरे क्या हो रहा है ये पास में उपस, 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 उपस. आया क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं हो 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 गया जी, हो गया गया जी हाय कैसे हो? चलो मैं तो अब दिख भी रही हूँ और सब ठीक भी है मेरा नाम है अर्श छाबड़ा और ये मेरे बारे में लिखा हुआ है ना पीछे है ना चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन ओका कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और साथ में करेंगे क्लोज टेस्ट ठीक है जो चीज़ से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं बहुत डरते हैं लोग इससे और क्योंकि इसमें ना कमजोरी आप लोगों की ये बोलते हैं कि रीडिंग की हैबिट ही नहीं है आप लोगों को इस वजह से इसमें मार्क्स नहीं आते रीडिंग की हैबिट डालोगे तब चीजें आएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए बाकी हाई स्नेहक मेरी क्लास में मैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाती हूँ और क्या कहते हैं भेदभाव नहीं करती कि कौन सा प्रीवियस ईयर है किस चीज़ का प्रीवियस ईयर है बिकॉज वी हैव टू डिवेलप द अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश आनी चाहिए हमें है ना तो इसीलिए आप जब भी YouTube क्लासेस देखेंगे तो मोस्टली यही पाएंगे कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं की लीक पे हमें चलना होता है क्योंकि वो इतने भी इजी नहीं है कि आप आसानी से कर लो और पता भी लगता रहता है कि पेपर में कैसा uh, सामान आ रहा है तो आज हम कर रहे हैं क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन तो इसको आज की जो क्लास होगी ना थोड़े डिफरेंट स्टाइल की होगी आज की क्लास में आप मुझे कम सुनोगे आप अपने आप को चेक करोगे यू आर डिवोटिंग योर टाइम हेयर राइट नाउ ना तो आप क्या सीख रहे हो उसका टेस्ट होना है आज और साथ साथ उसके बाद मैं जो समझाऊंगी जो मैं आपको बताऊंगी कि भैया कैसे किया जाए ये चीजें तो वो हम देखेंगे ठीक है तो दो क्लोज टेस्ट करेंगे हम आज दो क्लोज टेस्ट शुरुआत में फिर उसके बाद दो कॉम्प्रिहेंशन करेंगे फिर एक नीचे क्लोज टेस्ट लगा हुआ है देखते हैं हैं आवर के स्ट्रेच में हम लोग कितनी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स ज्यादा आए देखो ये वन नाइनटी एट मार्क्स ना ऐसे ही नहीं आते हैं इसमें सिली मिस्टेक से मेरे मार्क्स कटे थे जो कटे थे नहीं तो दो सौ थे ये हाँ तो ये मार्क्स ना ऐसे नहीं आते आपको बहुत मेहनत करनी होती है उसमें आपको रीडिंग करनी होती है और जो चीजों से बाकी लोग भाग रहे होते हैं ना वो आपको काम करने होते हैं तो चलो आज शुरुआत करते हैं अपनी तैयारी मापते हैं और देखते हैं कि हमें चीजें करनी कैसी है तो आइए पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने ये रहा क्लोज टेस्ट है फेज इलेवन का और क्लोज टेस्ट करते हुए हमने पता है क्या ध्यान रखना है कभी कभी हमारे पास ऐसे क्लोज टेस्ट आते हैं जिनका ना हमें ऑलरेडी पता होता है कि मैटर क्या है कोई टॉपिक टॉपिक जिस topic पे क्लोज टेस्ट लिखा है वो मैटर हमें ऑलरेडी पता होता है तो वो क्लोज टेस्ट कभी कभी हमारे लिए लिएजी बन जाते हैं और उन्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती हम लाइन बाय लाइन चल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन लाइन बाय लाइन चलने से

में इसको परफॉर्म करने का और फिर हम समझेंगे फिर मैं समझाऊंगी कि क्या लिखा है और क्या करना है तो आपका समय शुरू होता है अब चलो मेरी फर्स्ट क्लास है क्या आ, नहीं मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है जब पढ़ लियू ना तो मुझे बता देना पढ़ लिया है मैं समझाना शुरू कर दूंगी उसको जो पूरा पैराग्राफ है ये बताया जा रहा है कि ओल्डर जनरेशन और न्यू जनरेशन के बारे में बताया गया है कि भैया जो ओल्डर जनरेशन है वो क्या करती है न्यू जनरेशन क्या करती है और ऐसा जो करती है वो ऐसा क्यों करती है तो यहाँ से शुरू करते हुए देखते हैं तो वो बोल रहा है वाइल्ड ये इस दौरान वाइल द ओल्डर जनरेशन ऑफ इंडियंस कि जो ओल्डर जनरेशन है इंडियंस की ये ऐसा करेंगे कि एक नया प्रोडक्ट सिर्फ तभी बाय करेंगे जब उनका कुछ पता नहीं क्या वंस यूजफुल लाइफ जो भी जो भी था उसकी पहले वाली लाइफ जो उसकी यूजफुल लाइफ है जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो खत्म हो जाए फिर कॉमा देके नई बात शुरू करता है कि द यंग जनरेशन डैश टू फॉल फॉर नोवेलिटी लेकिन जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है वो नोवेलिटी के लिए जाना चाहती है नई चीजों के लिए जाते हैं नोवेलिटी मींस नई चीजों के लिए फॉल करती है कि हाँ हमें नया मिल जाए ऐसा होता है ना कि भैया अभी नया नया फोन आया तो पुराना डिस्कार्ड कर देंगे है ना अगर आपको ये मौका मिले तो फटाफट पुराना फेंको और नया ले आओ तो ये कहना चाह रहा है और हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं जब तक वो चीज़ पूरी चिथड़े नहीं हो जाएगी जब तक ब्रश टूट नहीं जाएगा बिल्कुल ऐसे दानदार नहीं हो जाएगा या पेस्ट ऐसे पूरी ऐसे निचोड़ निचोड़ के निकल नहीं आएगी तब तक वो नहीं छोड़ते और हम लोग क्या करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चल थोड़ी सी रह गई उठा के फेंक है ना वो वाली चीज़ तो आगे क्या बोल रहा है यंग पीपल वॉन्ट द डैश गैजेट्स बिकॉज दे हैव मनी एंड मोर डैश टू गुड्स वो बोल रहे हैं कि जो यंग पीपल हैं वो क्या है

आप जैसे बोलते हो बट ये आरकाई का यहाँ पे नहीं यहाँ आप क्या कह रहे हो जो प्रोडक्ट आपके पास पहले था द प्रीवियस प्रोडक्ट और एल्डर से क्या लेना देना है एल्डर तो एज बताता है वो भी कंपेरिजन में ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट कंपेरिजन में किसी की एज बतानी हो तो वो भी लेना देना नहीं है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे दे द ओल्डर जनरेशन बाइज न्यू प्रोडक्ट ओनली वन द प्रीवियस वंस यूजफुल लाइफ इज ओवर ओके नेक्स्ट क्या बोलता है नेक्स्ट बोलता है द यंग जनरेशन टेंड्स टू फॉल फॉर नेबलिटी टेंस क्यों टेंस शाबाश प्रिया टेंस क्या मतलब हमारी टेंडेंसी है बियर करना बियर का कोई मतलब है बियर मतलब बोझ उठाना सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं तो बियर्स करना बियर्स मींस शी इज शी बेयर्स द बेबी या अ लेडी बेयर्स द बेबी बेबी को कैरी करना भी कैरी करना भी बोलते हैं कि अ लेडी बेयर्स द बेबी तो वो बच्चे को बियर करती है यानी बर्थ देती है या कैरी करती है अपने womb में ठीक है या फिर आई शी या पेन ऑफ द फैमिली तो वो बर्दाश्त करता है पूरी फैमिली का पेन या पूरा फैमिली का बर्डन वो बर्दाश्त करता है तब आप बीयर्स लिख रहे हो फीड्स करना मतलब कि, uh, किसी चीज पे uh, कि या तो आप खा रहे हो शी, जैसे आप बोल रहे हो शीफी स्पैरो वर्म्स तो ये उनको उन पे अपना भोजन पालन करती है अपना खाना पाना तो वो चीज होगी या फिर किसी को खिलाना एक तो खुद खाना वो भी होता है फीड्स ऑन समथिंग तो फीड ऑन ये प्रपोजिशनल फेज बन जाती है दस, दस और एक होता है फीड जब आप किसी को खिला रहे हो द मदर फीड्स द बेबी तो मदर किसी को फीड कर रही है वो तो यहाँ फीड का कोई लेना देना कोई नहीं लेना देना अच्छा कीप का कोई लेना देना कोई कीप का लेना देना नहीं है वो बता रहा है कि हमारी जो टेंडेंसी है वो दूसरी जगह पे फॉल करने की होती है कैसी कौन सी जगह पे कि नई नई चीजें हम लेते हैं चलो आ जाओ नेक्स्ट पे अगला क्या कह रहा है मैं आराम से पढ़ रही हूं आप फिल करना यंग पीपल वॉन्ट द गैजेट्स बिकॉज दे हैव मनी एंड मोर टू सच गुड्स जो यंग पीपल होते हैं दे वैसे गैजेट देटर गैजेट्स। लैटर साइड हो जाओ थोड़ा सा कैसे साइड दिख रहा है वैसे, access. और latest दिख रहा है, चलो, और ये क्या बोल रहा है? बिकॉज बिकॉज दे हैव मनी क्योंकि उनके पास पैसा है एंड मोर डैश टू सच गुड्स और क्या है मोर शाबाश लेटेस्ट आएगा वेरी गुड देखो लेटर लैटर लास्ट और लेटेस्ट कल भी मैं मतलब समझा रही थी आज भी सुन लो देखो एक वर्ड होता है लास्ट ठीक है एक वर्ड होता है लास्ट एक वर्ड होता है लेटर और लैटर ठीक है एक सेकेंड एक और एक वर्ड होता है लेट और एक वर्ड होता है लेटेस्ट देखो अभी चलो ये जो लेट है ना लेट ये लेट होता है पॉजिटिव डिग्री ये लेटर और लेटर होते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज ओके और ये लेटेस्ट और लास्ट होता है सुपरलेटिव डिग्रीज अब अगर जिसको नहीं पता तो मैं उसको बता दूं पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं जब हम किसी चीज की विविव... ये सारे क्या हैं ये सारे एडजेक्टिव का, का काम भी करते हैं एडवर्ब का, का काम भी करते हैं ठीक है ठीके? तो ये अभी फिलहाल ना मैं इनको एडजेक्टिव मान के चलते हैं ठीक है ठीके? तो पॉजिटिव डिग्री वो होती है जब आप किसी की विशेषता बता रहे हो बिना किसी से कंपेयर किए डिग्री ये होती है जब आप दो चीजों को कंपेयर करके किसी चीज की विशेषता बता रहे हो और सुपरलेटिव लेटिव डिग्री जब आप सब चीज से कंपेयर करके किसी की विशेषता बता रहे हो ठीक है पर अब इनमें क्या फर्क है ये लेटर क्या है लेटर क्या है लेटेस्ट क्या है लास्ट क्या है तो देखो लेट का मतलब होता है जैसे कि देर हो गई या तो एक टाइम में देर हो गई ठीक है या फिर फॉर्मर पोजीशन के हिसाब से दो तरीकों से ये हो गया एक टाइम का एक पोजीशन का तो अगर आप लेट को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि आई एम लेट तो आप टाइम से लेट हो आप किसी से कंपैरिजन नहीं करें टाइम के हिसाब से आप लेट हो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम को रेफरेंस मान के आप लेट हो और एक होता है माय लेट कलीग टॉक्स टू मी इवन नाउ तो यहाँ पे लेट क्या बता रहा है पोजीशन में मतलब उसका वो जो टाइम के बीच में जो उसकी पोजीशन थी ना पहले का कलीग है मेरा टाइम के पहले का नहीं मतलब टाइम में एक पॉइंट ऑफ पोजीशन थी तब का मेरा कली माय लेट कली अच्छा अब कंपैरेटिव डिग्रीज में जब आते हैं सुन रहे हो ना ध्यान से कंपैरेटिव डिग्रीज में जब आते हैं तो एक होता है लेटर और एक होता है लेटर क्या होता है टाइम में आई टॉक टू यू लेटर वील कन्वर्स इट लेटर वील डू इट लेटर है ना तो यहाँ पे आप टाइम के तौर तो, पर बोल रहे हो कि बाद में करेंगे अच्छा ये किस लिए ये टाइम के लिए अब हम पोजिशन पे आते हैं एक होता है पोजिशन के लिए लैटर जैसे कि दो लड़के हैं दो लड़के हैं एक कमांडर ठाकुर है और एक मिस्टर सहानी है ठीक है तो एक कमांडर ठाकुर कमांडर ठाकुर और एक मिस्टर सहानी तो अगर मैं बोलूं कि आ, सहानी इन दोनों को वोट देना है तो सहानी के लिए कौन खड़ा होएगा तो बोलेंगे लो, जो सहानी के लिए खड़े हो रहे हैं वो बोलेंगे आई चूज द लेटर जो बाद में आपने बताया ना मैं उसको चूज करूंगा तो आई चूज द लेटर और ये जो आ, आ, ये जो इसको कमांडर ठाकुर को चूज करेंगे वो बोलेंगे आई चूज द फॉर्मर

और टाइम का कंपैरिजन नहीं कर रहे लैटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि कंपैरिजन नहीं कर रहे और पोजीशन का कंपैरिजन नहीं कर रहे लास्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सुपरलेटिव नहीं बता रहे किसका पोजीशन का सुपरलेटिव नहीं बता रहे हम लेटेस्ट की बात करेंगे क्योंकि हम टाइम के हिसाब से नए नए गैजेट्स की बात करें तो यंग पीपल वॉन्ट द लेटेस्ट गैजेट्स बिकॉज दे हैव मनी एंड मोर वॉट मोर एक्सेस वेरी गुड मैथ्स कंसे मोर एक्सेस ठीक है अप्रोच क्या होती है अप्रोच क्या होती है कोई काम करने की आपकी अप्रोच हो सकती है किसी चीज को ठीक है कि भैया तू तो ढंग से काम नहीं करता जीवन को लेकर तेरी अप्रोच अच्छी नहीं है जीवन को लेकर मतलब होता है एक्सेस 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 नहीं एक होता है एक्सेस एक होता है एक्सेस तो एक्सेस मतलब किसी चीज तक पहुंच पाना कि आप किसी चीज तक पहुंच पाते हो कि नहीं तो इन हम हम लोगों के पास नए नए जो गुड्स हैं उनकी एक्सेस है एक्सेस या क्यों किस साइड होना मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप पीछे का भी दिखे इस साइड होना लगता है ना तो अप्रोच नहीं एंट्री मतलब अंदर घुसना और कांटेक्ट मींस आप किसी चीज से टच कर सकते हो तो वो कांटेक्ट हो जाएगा तो कांटेक्ट भी नहीं आ जाओ इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आ जाओ फटाफट नेक्स्ट करो तो समझ आया हमने क्या कहा पहले बोला कि ओल्डर जनरेशन जो है हाँ हाँ मैं ठीक जगह बैठेगा जो ओल्डर जनरेशन है वो जो प्रोडक्ट्स खरीदेगी वो तब खरीदेगी जब उनके पुराने वाले यूजफुल ना रहे और नई जनरेशन फॉल करती है टेंडेंसी उसकी होती है कि नए प्रोडक्ट खरीदे और वो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स खरीद लेती है क्योंकि उसके पास पैसे हैं और एक्सेस भी ज्यादा है गुड्स को खरीदने की चलो नेक्स्ट अच्छा आयु आयुष अभी थोड़ा पीछे है लास्ट वाले पे कर रहे हैं चलो नेक्स्ट पे आ जाओ <laughs>

स्क्वांडर्ड पब्लिसिटी या रिग्रेसिव पब्लिसिटी जल्दी बताओ इन लोगों को यंग पीपल को ये विश्वास दिलाया जाता है ऐसी पब्लिसिटी से कि नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके जीवन की खुशी को बढ़ा देंगे एनहेंस कर देंगे मींस बढ़ा देंगे है ना तो पब्लिसिटी कैसी सेलेस्टियल सेलेस्टियल मींस रिलेटेड टू रिलेटेड टू अच्छा मैं ज्यादा छुप गई लगता है सेलेस्टियल मीन्स रिलेटेड टू स्काई सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं ना सेलेस्टियल बॉडीज तो जैसे कि सन हो गया मून हो गया तो सेलेस्टियल पब्लिसिटी तो होगी नहीं ना मेरे दोस्त है ना अच्छा स्कवांडर स्क्वांडर करना क्या होता है किसी को पता जितेश का सही है Ubiquitous. 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 नहीं. देखो स्क्वांडर करना मीन्स वेस्ट करना डोंट स्क्वांडर योर टाइम डोंट स्क्वांडर योर टाइम ठीक है या फिर आप बोल सकते हो डोंट स्क्वांडर योर योर मनी अपना पैसा बर्बाद मत करो हाँ आई फाउंड हिम स्क्वांडरिंग द अपॉर्चुनिटी मैंने उसे अपना जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसे बर्बाद करके हुए देख लिया तो वो हो गया स्क्वांडर रिग्रेसिव रिग्रेस एक होता है प्रोग्रेस देखो और रिग्रेस क्या होता है वापिस जाना यानी कि आप जो घटिया पोजीशन में थे पहले की आप उसमें जाओ जैसे बोलते हैं रिग्रेसिव रिफॉर्म्स रिग्रेसिव रिफॉर्म्स जैसे कि मान लो आप बोलो कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा उसको हम बंद कर देंगे ठीक है जेल में बंद कर देंगे तो ये कैसा रिफॉर्म है रिग्रेसिव रिफॉर्म है जो कि हमें लेस डेवलप्ड स्टेट पे लेके जाता है पतन की तरफ लेके जाता है शाहबाश बहुत प्यारा वर्ड जो लेस रिग्रे आ, स्टेट की तरफ हमें लेके जा रहा है रिग्रेस कर रहा है हमारे को तो कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो चाहिए ना तो आप रिग्रेशन वाले नहीं ला सकते तो आपके पास क्या बचता है यू बी कोटेस ठीक है ये कॉमन कॉमन वर्ड है ये स्क्वांडर करना भी कॉमन वर्ड ही है अगर आप रीडिंग करते हो तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको स्क्वांडर करना वर्ब रिग्रेसिव भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं दिख जाता है ये आया हुआ हरा नए दिन तो यूबीक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद है यूबीक्विटस पब्लिसिटी मींस हर जगह तो पब्लिसिटी हो रही है हम भी बीच में कर देते हैं पब्लिसिटी भैया ये कोर्स ले लो और ये चीज आ रही है तो यूबीक्विटस पब्लिसिटी से हम क्या दिखा रहे हैं कि तुम्हारी हैप्पीनेस बढ़ेगी और भी बोलते हैं कि भैया ये वाला नया नया फोन आ गया ये ले लो गर्लफ्रेंड के साथ फोन घुमाते हुए दिखा रहे हैं जिसके पास अच्छी स्मेल आ रही है एड दिखा रहे हैं कि बड़ी अच्छी खुशबू है फ्रेगनेस है तो वहां लड़की खिंची खिंची आ रही है तो क्या कि तुम्हारे को खुशी मिलेगी खूब सारे लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे हर जगह तो पब्लिसिटी है तो यू भी क्विटिस बोलते हैं उसको प्रेजेंट एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट बोल दीजिए ऑल ऑल परवेजिव भी बोलते हैं इसे ऑल ऑल हर जगह तो यही है ठीक है चलो आ जाओ शाबाश मेरे शेर आए समझ आया समझ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप फिर मैं आपको टाइम दूंगी आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने का करो प्यार से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना फिर अपन इसको सॉल्व मैं इसे सॉल्व चलो देख लू कहा है मेरा सेशन गायब हो गया यो, शाबाश शाबाश आराम से पढ़ो उसे राम राम जी राम जाम राम राम जी इट शुड कम एज नो सरप्राइज दैट बीज नो अ लॉट अबाउट हनी दे आंट ओनली हनी प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कंज्यूमर्स एंड प्रिटी सफिस्टिकेटेड वंस एट दैट आफ्टर अ सिक बी वेराइटीज ऑफ हनी फॉर एग्जांपल एंड इट विल चूज द वन दैट फाइट्स ऑफ इट्स इन्फेक्शन components in honey can help bees live longer hi hi ram 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 their tolerance of harsh conditions such as intense cold and increase their dash to fight off infections and heal wounds padha aapne padha samajh mein aaya kuch main padhana shuru kar rahi hu theek hai या तो बोलो कि मैम थोड़ी देर चुप हो जाओ मैं ही पढ़ूंगा और आ, uh, आ, uh, क्या कहते हैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और फिर आप बोलना शुरू करना इट शुड कम एज नो सरप्राइज कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए इस बात में कोई चिंतन नहीं होना चाहिए इस बात का कि भैया शौक है हम कि जो मधुमक्खियां हैं वो बहुत ज्यादा जानती हैं हनी के बारे में सरप्राइज नहीं होना चाहिए भैया हनी वो प्रोड्यूस करती हैं तो वो ही ज्यादा जानती हैं है ना तो ये कोई सरप्राइज बन के नहीं आनी चाहिए बात अब आगे वो कुछ और भी बता रहा है तुम्हें कि क्या बताना चाह रहा है वो ये कह के वो कह रहा है दे आर्ट ओनली हनी प्रोड्यूसर्स वो सिर्फ हनी प्रोड्यूसर्स नहीं है हनी बीज वो सिर्फ हनी प्रोड्यूसर नहीं है दे आर ऑल्सो कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स भी हैं जो हनी वो बनाती है वो उसे खाते भी हैं एंड प्रिटी सोफिस्टिकेटेड वंस एट दैट और वो इस काम में कंज्यूमिंग के काम में भी काफी सफिस्टिकेटेड है मतलब उनका कंजम्पशन कर रहे हैं ना वो हनी का तो उसमें भी उनकी एक सफिस्टिकेशन है एक आर्ट है एक एटिकेट है वो कैसे है वो हमें आगे की लाइन बताती है आगे की लाइन बोलती है ऑफर अ हनी बी डैश वेराइटीज ऑफ हनी फॉर एग्जाम्पल एक हनी बी को एक सिक हनी बी को एक सिक बी को आप वेराइटी पता नहीं कौन सी वेराइटी देखना पड़ेगा कौन सी वेराइटी हनी के दे के देखो एग्जांपल के तौर पे वो कह रहा है एग्जांपल के तौर पे आप किसी बीमार हनी को कुछ वैराइटीज दे के देखो हनी की है एंड इट विल चूज द वन और वो चूज करेगी वो वली एंड हनी बी की बात कर रहे करें बी एंड इट विल चूज द वन वो चूज करेगा वो वली दैट जो की फाइट ऑफ करेगा इन्फेक्शन को पता नहीं कैसे देखना पड़ेगा कैसे फाइट ऑफ करेगा वो उन वेराइटीज में से उसको चूज करेगा जो उसके इन्फेक्शन को फाइट ऑफ करेगा पता नहीं कैसे आगे देखो कॉम्पोनेंट्स इन हनी कैन हेल्प बीज लिव लॉन्गर जो हनी के अंदर जो शहद के अंदर कॉम्पोनेट्स होते हैं ना वो मधुमक्खियों को मदद करते हैं कि वो लंबा जी सके रामदेव बाबा क्या बताता है सुबह शहद में शहद में नींबू और घोलो और तुम पी लो और तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा और तुम अच्छा जियोगे तो वो यही बोल रहा है कि हनी में ना कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो बीज को भी लंबे टाइम तक जिंदा रखते हैं देख लो देख लो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आंसर करना शुरू भी कर दिया है क्या कहना है आगे क्या बोल रहे हैं देर टॉलरेंस ऑफ हार्श कंडीशन और क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं हनी बी को लंबा रहने के लिए और क्या करने के लिए कुछ करने के लिए देर टॉलरेंस ऑफ हार्श कंडीशन कि जो हार्श कंडीशन है ना उनकी टॉलरेंस भी वो क्या करते हैं मेरे ख्याल से तो बढ़ाएंगे ही जैसे कि सच एज इंटेंस कोल्ड एंड इंक्रीज देयर डैश तो मान लो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो हनी भी तो छुटकू सा एक इंसेक्ट है तो हनी वो खाती है ना तो हार्श कंडीशन बहुत ज्यादा ठंड में भी उनकी टॉलरेंस को वो क्या करता है कुछ करता है सोचो क्या करेगा हमें तो जरूरत भी नहीं है क्या ढूंढने के लिए एंड इंक्रीज देयर डैश और वो इंक्रीज करते हैं उनका क्या क्या इंक्रीज करते हैं ताकि वो फाइट ऑफ कर सके किसके साथ इंफेक्शन के साथ और हील कर सके अपने वोट को आ गया अब देखो यहाँ क्या करना है भानी बीज की बात कर रहा है ना यहाँ पे बीज की बात कर रहा है तो यहाँ पे उसने क्या प्रोनाउन लगाया दे दे आर दे आर्ट ओनली हनी प्रोड्यूसर्स तो यहाँ क्या लिखूंगी दे आर ऑल्सो कंज्यूमर्स तो मैं इट नहीं लगाऊंगी देम नहीं लगाऊंगी वी नहीं लगाऊंगी क्या लगाऊंगी दे ठीक है क्योंकि मुझे यही से आइडिया मिल रहा है इट तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो देखो यहाँ पे मेरे को दिखा वो सिंगुलर हो गई तो लगा दिया ठीक है अच्छा इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो हम उस चीज को यहाँ पे ये सब्जेक्ट ही है तो देम नहीं लगाएंगे गिव देम चॉकलेट ठीक है तो गिव देम अब देना किसने है? सब्जेक्ट तुम हो तुम्हें देना है यू नहीं लिखा है यहां पर तुम्हें देना है किसको देना है इनको देना है तो ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया यहां दे नहीं लिख सकते आप गिव दे द चॉकलेट नो दैट्स रॉन्ग ठीक है तो दे भी नहीं आएगा और वी भी नहीं आएगा भैया प्रोनाउन हनी बी के लिए लगा रहे हो वी तो हमारे लिए है ना हम हाँ। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ अब क्या कह रहा है ऑफर अ सिक बी डैश वेराइटीज ऑफ हनी कैसा वेराइटीज ऑफ हनी शाबाश सबने आंसर कर भी दिया सिमिलर मतलब एक जैसी उसके जैसी दिखने वाली सिमिलर मतलब सेम नहीं मान लो एक ड्रेस है आ, ड्रेस भी नहीं बनाने आ रही मैडम को चलो ये ड्रेस है मान लो ठीक है फ्रॉक ओके okay? तो अगर इसके जैसी एक और फ्रॉक है ना जैसी सेम नहीं उसको सिमिलर सिमिलर बोलेंगे जैसा अच्छा अब सिंगुलर सिंगल चीज नहीं देनी आपको पैरलर वराइटीज कम ऑन इसका मीनिंग क्या है वो बोल रहा है कि डिफरेंट वेराइटीज दो पैरल तो जो एक साथ चले कोई चीज तो पैरल हो गए डिफरेंट वेराइटीज दो तो कैसे पता लगा हमें कंटेक्ट से पता लगा जो वो कहना चाह रहा है राइटर चलो अब पटाख से नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो

मानसिक आया है बेस्ट और कोई कुछ कहना चाहता है सेशन लाइक कर दिया करो यार साथ साथ बस मैंने और कुछ क्या मांगना है तुमसे चलो बेस्ट भी आया मोस्ट भी आया शाबाश देखो मोस्ट जो होता है ना मोस्ट 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 आपको दिखा रहा है क्वांटिटी आई कुड नॉट डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मोस्ट मीन ज़्यादातर क्वांटिटी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया देखो और बेस्ट होता है डिग्री बेस्ट बेस्ट काम किया है ज्यादातर काम नहीं किया है ना ज्यादातर काम नहीं किया बेस्ट डिग्री जो आपको बता रहा है तो यहाँ फाइट ऑफ मोस्ट करेगा फाइट ऑफ मोस्ट इन्फेक्शन नहीं चूज द वन दैट बेस्ट फाइट ऑफ जो सबसे बढ़िया तरीके से फाइट करेगा बेस्ट तरीके से किस डिग्री से ठीक है अच्छा और मोर इसलिए नहीं लिखेंगे बेटे मोर भी तो क्वांटिटी ही है मोर भी क्वांटिटी है और बेटर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आप किन्हीं दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे ये मोर जो है ये more, ये मोर जो है ना ये मच और मैनी का कंपेरेटिव डिग्री है मच और मैनी का ठीक है और ये जो बेटर है ना ये गुड बेटर बेस्ट है गुड बेटर बेस्ट ठीक है तो आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर रहे जो आप बेटर लिख दोगे और मोर लिख दोगे आप क्या कर रहे हो आप कह रहे हो कि बिल्कुल जो सबसे सही मतलब जो बेस्ट होगा ना वो करने कर, फाइट करेगा ना वो करना है तो बेस्ट ही तो लिखोगे दो चीजों को थोड़ी कंपेयर हो बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अच्छा अगर आप इन्हें एक रूल रटा हुआ है ना कि द बेस्ट कि द क्यों नहीं आया बेस्ट के साथ तो ये रूल यहाँ फेल हो जाता है फेल क्योंकि यहाँ पे ना क्योंकि यहाँ पे देखो द दे किसके लिए लगता है खुद बताना मुझे द सुपरलेटिव के साथ तो लगता है पर लगता किसके लिए द बेस्ट बॉय इन क्लास द बेस्ट बॉय इन क्लास किसके लिए लगता है कोई मुझे बताना चाहेगा जिसने ये रूल रटा है कि सुपरलेटिव के साथ द लगना चाहिए और इस वजह से बेस्ट नहीं चूज किया नो मैम डिटर्मिनर है हाँ द किसके लिए लगता है बेटा ए एन द लगता है ए एन और द पे हो रही है क्योंकि मेरे पास आज वो नहीं है चलो मैं कलर फिर भी चेंज कर देती हूँ ए एन और द किस लिए लगते हैं बेटे ये आर्टिकल्स लगते हैं किसके लिए नाउन्स के लिए नाउन्स के, के लिए लगते हैं ना द बेस्ट बॉय द तब लिख पा रहे हो क्योंकि यहाँ बॉय लिखा हुआ है ओके शी इज द बेस्ट बेस्ट इज अगर लिख रहे हो शी इज द बेस्ट तो यहाँ पे जो अगर आप लिख रहे हो ना बेस्ट तो यहाँ पे गर्ल हिडन है शी इज गर्ल है ना शी इज पर्सन ओके लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हो द वन दैट बेस्ट यहाँ पे कोई नाउन नहीं है ये वर्ब लिखी हुई है तो आप द बेस्ट नहीं लगा सकते इधर नाउन के साथ लगता है द ठीक है तो रटा रटाई रटा से काम नहीं चलेगा कि हमेशा यहाँ पर रटो इसीलिए इंग्लिश को हमेशा समझो रूल्स हमेशा रटो मत चलो नेक्स्ट आ जाओ इल चूज दैट बेस्ट फाइट ऑफ इट्स इंफेक्शन कंपोनेंट्स इन हनी कैन बूस्ट कैन हेल्प बीज लिव लॉन्गर आगे चलो 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 फटाक से आंसर करो कॉम्पोनेंट इन हनी कैन हेल्प बीज लिव लॉन्गर बूस्ट देयर यस बूस्ट देयर इंक्रीज सोच रहे थे ना हम बढ़ाएगी तो यहाँ पे वर्ड इंक्रीज तो नहीं लिखा लेकिन बूस्ट लिखा है तो अपने क्या लिखेंगे बूस्ट देयर हाँ

अंग्रेजी बहुत ईजी है पढ़ना सीख लो बस तुम तुम रीडिंग करना सीख लो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और चलो आ जाओ नेक्स्ट कॉम्बोनेस इन हनी कैन हेल्प बीज लिव लॉन्गर बूज दियर टॉलरेंस ऑफ कंडीशन इंक्रीज देयर डैश टू फाइट ऑफ वॉट इंक्रीज देयर टैलेंट इंक्रीज देयर एप्टीट्यूड इंक्रीज देयर एबिलिटी इंक्रीज देयर स्किल मानसी का आंसर आया है शाबाश या नहीं शाबाश वो मैं बाद में बोलूंगी जल्दी बताओ जल्दी शाबाश वेरी गुड चलो दो इट विल इंक्रीज देयर एबिलिटी उनकी सक्षमता को इंक्रीज करेगा ठीक है टैलेंट जो बॉर्न होता है जो आप बचपन में बचपन से आपके अंदर है जो टैलेंट स्किल भी डिफरेंट होता है स्किल आप एक्वायर करते हो है ना आपने कुछ मेहनत कुछ स्किल आपको पॉटरी करनी है ठीक है आप पॉटर हो पॉटर हो, हो, तो करना पड़ेगा, उसको बना के देखना पड़ेगा तो आपको आपका दिमाग कितनी समझ कर पाता है ये यहाँ पे सक्षमता की बात करें ना समझ की ना आपका इनबॉर्न टैलेंट की ना ही आपके एक्वायर्ड स्किल की चलो शाबाश मेरे शेरों शेरों एव शेर नहीं हो, <laughs> चलो अच्छा अब हम आते हैं एक नई चीज पे ठीक है और वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन जिससे सबको डर लगता है जिससे सब कांपते हैं डर सबको लगता है और गला भी सबका सूखता है तो कॉम्प्रिहेंशन को करने का एक तरीका होता है वो होता है रीडिंग की आदत डालना और जब आप उसे पढ़ रहे हैं तो रुक रुक के नहीं पढ़े कि इस इस वर्ड का क्या मतलब है उस वर्ड का मतलब क्या है ऐसे नहीं पढ़े जो लिखा है उसको अच्छे से जल्दी जल्दी अपनी पूरी अटेंशन देके उसे रीड करते जाएं ठीक है और वही हमने करना है और पेपर में जब भी कॉम्प्रिहेंशन आता है और उसके बाद क्वेश्चन आते हैं तो एक गलती मत कीजिएगा जो मैंने की थी और जिससे मैं 200 मार नहीं पाई और वो गलती मैं आपको अभी सिखाती हूँ वो ये है कि जब भी क्वेश्चन का आंसर करें आपको चाहे कॉम्प्रिहेंशन आ भी गया हो समझ में राम राम जी राम राम तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ भी गया हो तो भी आप क्वेश्चन करते हुए एक बार कॉम्प्रिहेंशन की तरफ रुख जरूर देखेंगे और देखेंगे कि वो लाइन कहाँ है और फिर आंसर करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम अपनी समझ हमें बताया कि हमें समझ तो आ गया है, फिर हम अपनी समझ से आंसर टिक कराते हैं बट वो लाइन जो मिस हो जाती है एकदम एग्जैक्ट जो लिखी हुई थी तो वो गड़बड़ कर देती है तो फिर फालतू के दो मार्क्स कटते हैं 2.5 2.5 अब तो नहीं कटेंगे 1.5 या जो भी पहले कट रहे थे 1.25 कट रहे थे मेरे, मेरे करना है आपको मैं टाइम दे रही हूँ आराम से इसे पढ़ो क्लास एकदम तब तक शांत है ठीक है योर टाइम स्टार्ट नाउ हो जैसा ही हो जाए आपका ये रीड आप मुझे बताइएगा मैम नीचे कर दीजिए एक जना मुझे बता देना की हो गया है नीचे कर दो इसको चलो मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ आपके <laughs> बढ़ाऊ आगे बढ़ा दें आगे बेटे डन ओके नो अच्छा चलो इतना बढ़ा देती हूँ इतने तक तो आ गए होगे आ जाओ चलो हो गया तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ाते हैं मैंने पढ़ लिया है देख लो ऐसे मेरे जैसे बच्चों के साथ कंपटीशन है तुम्हारा आगे अब क्वेश्चंस पहले आप आंसर करेंगे फिर मैं समझाऊंगी चलो चलो मैं आगे बढ़ा रही हूँ बहुत देर नहीं क्वेश्चन पहला राइडर वॉज मार्वसली मींस दैट ही वॉज राइडर वॉज डेफ्ट दिस मीन्स दैट ही वॉज दैट ही वॉज स्किलफुल ऑकवर्ड इन एप्ट या सिंसियर जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट फटाफट आंसर करो फिर समझाना भी है मुझे स्किलफुल ओके okay, चलो एक इंसान का आंसर आ गया है स्किलफुल और किसी को कुछ कहना है ए लोग आंसर कर रहे हैं सब ए कर रहे हो जाओ विच ऑफ दर्ड नॉट डि गर्ल एप्ट कौन सा शब्द गर्ल को एप्टली एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्राइब नहीं करता जो लड़की थी इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा वर्ड डिस्क्राइब नहीं करता ब्यूटिफुल क्यूरियस अनकाइंड या नर्वस जल्दी से आंसर करो शाबाश सेकंड वाला सवाल आपके सामने आ चुका है उस गर्ल को जो पक्षी लेके आई थी कौन सा वर्ड डिस्क्राइब नहीं करता अच्छा सबका आंसर आ रहा है अंक यानी कि बच्चे समझ रहे हैं पैराग्राफ सबको समझ में आया कही कहीं ना कहीं नेक्स्ट करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टर ऑफ फिलिप राइडर फिलिप राइडर का अगर हम कैरेक्टर देखें चलो आपको वन लगा था आयुष को वन लगा था चलो आयुष का वन भी मान लेते हैं चलो कोई नहीं अच्छा नर्वस भी लगाया है जितेश को चलो ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ अब अब ये वाला क्वेश्चन करो विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज ट्रू कीपिंग इन माइंड द कैरेक्टर ऑफ फिलीप राइडर फिलीप राइडर का क्या कैरेक्टर था इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो सत्य है उसका कैरेक्टर के बारे में अगर सोचा जाए तो अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स वर्ड्स एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स आंसर आ रहा है फोर चलो बाकी ने किसी ने हिम्मत ही नहीं की आंसर देने की चलो मैं दोबारा पूछूंगी एक बार समझाने के बाद तुमसे दोबारा पूछूंगी क्या था आयुष का वन आया ठीक है चलो किस बेसिस पे किया वो भी पूछूंगी मैं तुमसे गर्ल ब्रिंग द इंजर्ड बर्ड टू राइडर जो लड़की है वो राइडर के पास इंजर्ड बर्ड को क्यों लेके आई क्यों लेके आई शी वॉन्टेड टू फाइंड आउट वट बर्ड इट वॉज वो ये जानना चाहती थी कि कौन सा पक्षी है शी कु नॉट कैरी दी बर्डन एनिमोर अब वो और बर्डन उठा नहीं सकती थी इसलिए पास पक्षी का भार बहुत ज्यादा होगा या फिर वो पक्षी को शी uh, वॉन्टेड राइडर टू की तरह रख ले या फिर वो, वो जानती थी राइडर जो है पक्षी को हील कर देगा अपनी मैजिकल पावर से चलो कमांडर ठाकुर ने शायद डी आंसर दिया शी बिलीव राइडर ओके चलो लॉर्ड का भी डी है चलो ठीक है मानसी का भी डी है ओके आ जाओ नेक्स्ट पे बस ये लास्ट है इस वाले का क्वेश्चन। देखो chose, choose नहीं लिखा, लिखा के साथ choose लिखा है, है? ठीक क्यों रहना चाहता था वो abandoned लाइट हाउस में क्योंकि उसे रिवर का व्यू देखना पसंद था क्योंकि सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो uh, uh, लोगों को देखना ही नहीं पसंद करता था ही हेटेड द साइट ऑफ पीपल लोगों को देखना ही नहीं पसंद करता था क्योंकि ही टू पेंट पेंट इन प्राइवेसी प्राइवेसी क्योंकि वो में paint करना चाहता था शांति में पेंट करना चाहता था तो एक व्यक्ति का आंसर है तीन और एक व्यक्ति का आंसर है चार चलो अब दिस इज सफिशियंट यानी कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पता लग गई है अब हम चलेंगे दोबारा इस पे और देखेंगे कि हमने आंसर कैसे करना है अब मैं तुम्हें समझाऊंगी हर चीज को एक बार ऊपर कर दीजिए क्या कर दी जू ऊपर कमांडर ठाकुर अब निकल गया थोड़ा सा अब आप आ जाओ फ्लो में आ जाओ अब गाड़ी में बैठ जाओ पीछे चलो मैं चला रही हूँ इन द लेट स्प्रिंग ऑफ नाइनटीन थर्टी ठीक है लेट स्प्रिंग थी नाइनटीन थर्टी की अरे बापरे 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 अरे अरे अरे, अरे कीड़ा था भैया यहाँ पे इतना मोटा चलो हाँ तो ये नाइनटीन थर्टी की एक लेट लेट स्प्रिंग थी हाँ, तो क्या हुआ फिलीप राइडर जो है वो आया एक अबैंडन लाइट हाउस में खाली था. वो कहां था? Of, ये बता रहा है कहां पे था, uh, तो था मतलब खत्म हो रही थी उसके माउथ पे था ठीक है चलो he was a of birds. वो एक पेंटर ऑफ बर्ड था और नेचर का भी पेंट करता था नेचर को भी पेंट करता था पेंटर ऑफ बर्ड भी था तो वॉज अफ्लिक्टेड अफ्लिक्ट होना मतलब किसी चीज से अ ग्रस्त होना ठीक है तो वो अफ्लिक्टेड था ग्रस्त था किस चीज से हंस्ड बैक से यानी उसकी जो बैक थी जो उसकी पीठ थी वो हंस्ड थी ऐसे मोटी हुई नहीं जब बुड्ढो की नहीं हो जाती ऐसे उठ जाती है जैसे कैमल की हंस्ड बैक होती है वो वैसी थी और डिफॉर्म्ड और ट्विस्टेड हैंड था उसका उसने राइडर के बारे में यहाँ बताया कि वो पेंटर था और ऐसा उसका हाल था राइडर को ना क्रिएचर्स बहुत पसंद थे और उ, उसका हार्ट जो था 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 उसका जो जो दिल था, वो पिटी दया और अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ क्यों क्योंकि लोग खुद परेशान होते हैं ना उनको दूसरे की परेशानी समझ में आती है वो अच्छे लोग होते हैं प्यारे लोग तो हीड मास्टर उसने अपने हैंडी को मास्टर कर लिया था कहने का क्या मतलब है कैप कोई व्यक्ति था जिसको मास्टर कर लिया था नहीं जो उसकी अवस्था थी ना हैंडीकैप होने की ठीक है उसको उसने उसपे मास मास्टर बन गया था वो उसने उसपे पकड़ हासिल कर ली थी यानी कि अब जो उसकी ये अवस्था थी वो अवस्था उसको ज्यादा उसकी लाइफ में उसको परेशान नहीं करती थी वो इस अवस्था में भी अपने काम कर सकता था तो मास्टर देखो मास्टर वर्ब का भी काम कर रहा है मास्टर नाउन भी होता है मास्टर वर्ब का भी काम कर रहा है बट ही कुड नॉट मास्टर पर वो क्या मास्टर नहीं कर पाया अपनी अवस्था तो वो मास्टर कर गया था पर वो एक चीज मास्टर नहीं कर पाया था जो कि था रिजेक्शन जो कि उसने सफर किया था अपने अपीयरेंस की वजह से अपने दिखने की वजह से उसने जो रिसेक्शन सफर किया था उस चीज को वो मास्टर नहीं कर पाया था ही पीपल शंड हिम पीपल ने उन्हें शन कर दिया शन मीन्स जब आप किसी को ऐसे बहिष्कृत कर देते हो ना कि हट जाए से क्यों और बोला था कि इस तरीके से शन कर दिया था कि ये इविल है ठीक है हाँ, they drove him into seclusion. उ, लोगों ने this drove him, this इस बात ने ये जो कि लोगों ने उसे शन कर दिया इस बात ने उसको कहा लेके चली गई ये बात सेक्लूजन में मीन्स अकेले पन की तरफ उसको घसीट गस, दिया उस तक वहां तक ले गई अकेलेपन की तरफ सेक्लूड मीन्स अकेले हो जाना आगे क्या बोल रहा है एक नवंबर आफ्टरनून में एक चाइल्ड थी जिसने अप्रोच किया उसके लाइट हाउस स्टूडियो को उसके आर्म्स में उस लड़की के आर्म में शी वॉज कैरिंग अ बर्डन शी अ बर्डन एक बर्डन उठा के वो ला रही थी बर्डन क्या था पता नहीं बोझ कुछ उठा के ला रही थी शी वाज नो मोर देन 12 वो 12 उनकी उम्र से ऊपर नहीं थी नो नो मोर देन 12 मतलब 12 की उम्र से ऊपर नहीं थी पतली सी थी स्लेंडर डर्टी थी नर्वस थी और टिमिड भी थी छोटी थी, एज अ बर्ड बर्ड की तरह एक छोटे से बर्ड की तरह थी वो ऐसी बट बिनीथ द डर्थ पर इस गंदगी के अंदर वो ऐसी हालत में थी पर इस गंदगी के अंदर एक beautiful सी प्यारी सी अगली मैन मतलब उस अगली मैन से वो डरी हुई थी यानी कि वो राइडर से डरी हुई थी अः जो कि मतलब शी हैड कम see जिस आदमी को वो देखने आई थी यानी कि राइडर उससे वो डरी हुई थी पर उसने कहीं ना कहीं सुना था कि कहा सुना था इन द स्वाम्प्लैंड में उसने कहीं सुना सुना था swamp, uh, swamp में सुना था में में नीचे वाले एरिया जहां पे नदी बह रही है और स्वाम्प होता है नदी बहरी है तो गीला गीला एरिया होता है ना तो वो स्वाम्पलैंड है ठीक है तो उसने कहीं स्वाम्प लैंड में सुना था कि जो मैन रहता है ना लाइट हाउस में उसके पास मैजिक है वो हील कर देता है इंजर्ड थिंग्स को जो चीजें इंजर्ड है उनको हील कर देता है आगे क्या बोल रहे हैं वो कभी राइडर के पास उसने कभी राइडर को देखा नहीं था और वो क्लोज टू फ्लींग थी फ्लींग मींस भागने वाली थी बस उसको देख के क्योंकि बियर्ड था तो पैनिक में वो भागने वाली थी व्हेन शी सॉ हिम जब उसने उसे देखा शी स्टुड देयर स्टेयरिंग वो वहां उसे देखती रही बट हिज वॉइस वाज डीप पर उसकी वॉइस कैसी थी डीप थी किसकी ल, राइडर की उसकी वॉइस डीप थी काइंड थी व्हेन ही स्पोक टू हर जब उसने बोला व्हाट इज इट चाइल्ड बेटे क्या है तो वो टिमिडली हल्के से घबराई हुई सी आगे बढ़ी और बोली वो जो जो चीज थी ना जो उसके हाथों में थी वॉज अ लार्ज व्हाइट बर्ड वो एक काफी भारी बर्ड व्हाइट कलर का बर्ड था ठीक है तो किधर गया एंड इट वॉज स्टिल क्वाइट और वो क्वाइट इट एंड इट वॉज क्वाइट स्टिल और वो एकदम शांत था वो बर्ड आ, आराम से उसके हाथ में था तो गर्ल ने उसे प्लेस द गर्ल प्लेस आर्म्स उसने उसको राइडर को दिया उसके आर्म्स में रखा और पूछती है इज इट स्टिल अलाइव क्या ये जिंदा है शी आस्क्ड तो यस यस आई थिंक सो कम इन चाइल्ड कम इन तो वो बोलता है राइडर बोलता है हाँ हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है आ जाओ बेटे अंदर आ जाओ तो राइडर जो गया, गया अंदर गया बियरिंग द दे बर्ड देखो अभी हमने बियर्स पढ़ा था ना बियरिंग द बर्ड का मतलब है कैरिंग द बर्ड यहाँ बर्डन के तरीके से नहीं है कैरिंग द बर्ड वो बर्ड को लेके चला गया आ, अंदर चला गया और उसने उसको टेबल पे रख दिया वेयर इट इीबिली जहां पे वो बर्ड मूव फीबिली किया ऐसे ऐसे जैसे मरा मरा सा मूव करता है ना feebly, जिसमें ज्यादा ताकत नहीं होती उसको बोलते फीबल आगे क्या बोल रहा है क्यूरोसिटी ओवरकेम फियर अब जो क्यूरोसिटी थी ना जो बेटी के अंदर जो लड़की थी उसमें डर था उसको देख के कि ये कैसा सा आदमी है तो क्यूरोसिटी ने ओवरकम कर लिया किसको डर को Curiosity होने लगी अब उस गुड़िया के मन में तो गर्ल जो थी वो पीछे पीछे फॉलो करती हुई आई और उसने क्या देखा उसने अपने आप को एक कमरे में देखा एंड फाउंड इन अ रूम उसने खुद को एक अपने अपने आप को देखा एक कमरे में पहुंच गई वो वॉर्मड uh, बाय जो कि कमरा गर्म किया हुआ था कोल फायर से और उसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी वॉल्स पे ठीक है तो बर्ड फ्लटर्ड बर्ड जो है फड़फड़ाया फ्लटर करना मीन्स फड़फड़ाया विद हिज गुड राइट हैंड अपने सही हाथ से अपने सही हाथ से जो राइट हैंड उसका सही था राइडर ने क्या किया जो राइडर व्यक्ति था उसका हाथ खराब था ना स्प्रेड वन ऑफ इट्स वाइट विंग वाइट विंग्स स्प्रेड वन ऑफ इट्स इमेंस वाइट वाइट विंग विंग तो उसने जो जो बर्ड के जो विंग था ना वाइट वाला उसको फैलाया बड़ा सा विंग होगा उसको फैलाया उसने राइडर लुक्ड राइडर ने देखा और मावल किया मतलब वो अचंभित था ऐसा सोच रहा था और उसने पूछा चाइल्ड वेयर डिड यू फाइंड इट बेटा तुमने कहा से लिया ये बर्ड तो लड़की बोली इन मार्श मार्श में से सर वॉट बताया ना मार्शी लैंड मार्श एरिया तो वो पूछती क्यों भैया क्यों ऐसा सर ऐसा क्यों तो उसने बोला कि ये स्नो गूज है कैनेडा का पर हाउ इन हेवन अरे भैया ऐसा हो कैसे गया भैया ये हाउ इन हेवन एक एक्सप्रेशन है सरप्राइज का

आ शी हेज बी इन शॉर्ट पुअर थिंग पुअर थिंग मतलब आ इसको चोट लग गई है कितनी बेचारी प्यारी सी चीज अः शी हेज बी इन शॉर्ट पुअर थिंग टूट चुका है पर बहुत बुरी तरह से नहीं व्हीलोजर we'll बैंड कर देंगे ठीक है band, ताकि सो दैट सो दैट शी कैनॉट मूविल इट है ना करे जब तक वो सेट नहीं हो जाता तब तक ये मूव ना करे इसलिए उसको बॉडी से चिपका देंगे ताकि विंग उठा ही ना पाए

तो आगे क्या बोलता है वील कॉल हर द लॉस्ट प्रिंसेस हम इसे लॉस्ट प्रिंसेस बुलाएंगे इस बर्ड को क्योंकि वो बेचारी कहाँ से कैनेडा से आके चोट लग गई उसे इन अ फ्यू डेज शील बी मच बेटर कुछ दिनों में ये और बेहतर हो जाएगी ही रीज इनटू हिज पॉकेट वो अपनी पॉकेट तक गया देखो लिखने का स्टाइल है रीज इन हिज पॉकेट यानी कि उसने अपना हाथ पॉकेट में डाला स्टाइल देखो कैसा है लिखने का

तो अब क्या करा राइडर वॉज मार्वलसली डेफ डेफ With even with his crooked hand, तो deft से क्या मतलब है वो skillful था awkward नहीं था inept मतलब skill जिस skill less है skill नहीं है उसमें inept ठीक है तो वो है with no skill no skill तो वो तो होएगा नहीं और sincere भी नहीं कहना चाह रहा ये हमें कहाँ से समझ आया ये हमें पीछे से समझ आया जब हमने पढ़ा कि उसका crooked hand था पर वो फिर भी marvelously deft था चलो अब next पे आ जाओ Which of the following words does not describe the girl aptly? कौन सा वर्ड गर्ल को एप्टली डिस्क्राइब नहीं करता? अब याद करो देखो वो बच्ची वो लाइन पड़ी थी याद आ रही है क्यूरियोसनेस हैज या क्यूरियोसिटी ओवरकेम फियर याद आ रही है क्यूरियोसिटी ओवरकेम फियर और फिर उसने पूछा कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं ये ऐसी कोई बात हुई थी पीछे तो बच्ची क्यूरियस तो थी ठीक है ब्यूटीफुल भी थी क्योंकि उसने बोला था कि गंदगी तो उस पर लगी हुई थी बट उस गंदगी के अंदर एक प्यारी सी फेरी थी तो बच्ची ये ब्यूटीफुल भी थी और बच्ची नर्वस भी थी ये भी उसने ऊपर कहीं दिखाया हुआ है जब वो बेटी को डिस्क्राइब कर रहा था ना तो वो बता रहा था देखो ट्वेल्व स्लेंडर है दर्टी है नर्वस है टेमेड है बट उसके इस दर्द के नीचे एक ब्यूटीफुल लड़की भी है तो आपने क्या गलत मार्ग किया है आपने मार्ग किया है वो बच्ची अनकाइंड नहीं थी वो बच्ची कहां अनकाइंड थी काइंड ही तो थी वो बर्ड को लेके आई बेचारी जिस जिस आदमी से वो डर रही थी उसके पास उस बर्ड को लेके आई है डरते डरते भी छोटी सी बारह साल की बच्ची भी नहीं थी तो क्या आना चाहिए अनकाइंड ये कैसे पता लगेगा कैसे पता लगेगा जब हम अच्छे से पढ़ना सीखेंगे जो मैंने आपको जिस तरीके से समझाया अगर ये खुद ही आपको समझ आने लग जाए तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तो रीडिंग किया करनी है हमने आगे क्या बोल रहा है अब आगे का आंसर आप करोगे ये वाला आंसर आप करोगे आपको पूरा समझाया ना मैंने दोबारा आंसर करो पहले आप फोर कर रहे थे और फिर वन कर रहे थे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कीपिंग इन माइंड तो राइडर को दिमाग एक बार राइडर के बारे में सोचो इस कहानी में और उसके बारे में सोच के आपके क्या दिमाग में आता है कि थोड़ी सी नॉलेज खतरनाक है कम नॉलेज खतरनाक है या फिर आप जैसे दिखते हैं वो एक भ्रम है जरूरी नहीं है आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो बेहतर भी हो सकते हैं उससे खराब भी हो सकते हैं अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव और एक पिक्चर हजार शब्द बोलती है ये पता लगता है या फिर जो आपके काम है वो आपके शब्दों से ज्यादा आवाज करते हैं अब आ गया ना थ्री आंसर शाबाश वेरी गुड गलत पिक्चर वाला कैसे आया बेटे अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव अपियरेंसेज आर डिसेप्टिव तो आप लोग पहले फोर और वन मार्क कर रहे थे टू आना चाहिए ठीक है तो यही तो बेचारे का हाथ भी नहीं था ये भी नहीं था बट फिर भी वो काइंड आदमी था वो मदद करता था तो अपियरेंस पे नहीं जाना चाहिए यही तो दिखा रहा है ये 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 लिटिल नॉलेज डेंजरस आई आई कोई बात ऐसी जिससे हम डिड्यूस कर सके, ये निकाल पिक्चर की तो हमने कोई बात ही नहीं की ये पता है कि वो पेंटर था ऐसी तो कोई बात नहीं की और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ऐसी भी कोई घटना नहीं आई हमारे पास ये पता है कि वो स्किलफुल था डेफ्ट था उसका टूटा हुआ हाथ था तब भी ऐसा बता तो ये डिडक्शन हम निकालते हैं ठीक है आप बताओ कोई ऐसी बात आई हो तो अब ये हमें क्लियर है गर्ल क्यों आई थी इंजर्ड बर्ड को लेके क्योंकि वो चाहती थी उसको पता था कि उसके पास मैजिक पावर है तो वो लेके आई थी कि बेटा ठीक हो सकता है वो तीन चार बार एक दो बार उसने पूछा भी हम इसे ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है चलो अब आ जाओ नेक्स्ट ये लास्ट है ना वाई डिड राइडर चूज टू लिव इन द लाइट हाँ ऐसा हो जाता है पर थोड़ा कंसेप्चुअल डलता है तो फस जाते हैं तो ये जब फसते हैं ना तो इस पे हमें बैठ के उस टाइम पे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सोचना होता है कि जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है अपने इतने शब्द उसने चुने हमें कुछ बताने के लिए तो वो उसके मन की भाषा क्या थी उसका मन क्या कहना चाहता तो वो हमें पकड़ना होता है तो वो आप अपने आप से सवाल करने का जब आप आदत डाल लोगे ना कोई टीचर नहीं सिखा सकता तो आप जो पढ़ रहे हैं खुद सवाल करें खुद से कि क्या बात थी तो फिर आप जब ये चीजें करोगे तो आपको एक बार गलत होगा दो बार गलत होगा फिर तीसरी बार सही होगा फिर चौथी बार शायद गलत हो जाए पांचवी छठी बार भी सही हो जाए शायद तो ये आदत डाल जाएगी तो प्रैक्टिस से बेहतर होती जाएगी सिचुएशन वाई डिड राइडर चूज टू लिव इन अबैंड हाउस अब इसका आंसर करो शाबाश अब हर किसी ने बी आंसर लगाया है इसका शाबाश तो पहले कोई किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया था क्यों अवैंड हाउस में क्यों चला गया था क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी से वो रिजेक्टेड था ये बात उसने पहले पैराग्राफ में ही कर दी थी तो पेपर में आपने पैराग्राफ की तरफ नजर रखनी है हालांकि तो अभी समझाने पे आपने सबने सही आंसर कर दिया ठीक है यहाँ लिखा है ना पिश, पिश, वो हर चीज मास्टर कर गया था अपने हैंडीकैप को मास्टर कर गया पर रिजे, रिजेक्शन नहीं मास्टर कर पाया था पीपल ने उसे शन कर दिया था दैट ड्रो हिम इनटू टू इसीलिए वो अबैंड हाउस में आया था ठीक है मैम थीम लास्ट लाइन से डिसाइड किया जाता है क्या बिल्कुल नहीं थीम लास्ट लाइन से डिसाइड नहीं किया जाता थीम डिसाइड किया जाता है जो पूरा पैराग्राफ है ना मान लो अभी तो इसमें सवाल नहीं पूछा कभी मैं पैराग्राफ ऐसा ले आऊंगी जिसमें थीम वीम का सवाल पूछा हो टोन भी पूछी हो तो पता कैसे डिसाइड किया जाता है आप एक बार सोचते हो कि ये पैराग्राफ किस चीज पे था अच्छा इस पैराग्राफ में बताया गया कि वो अबैंडन हाउस में आया था क्योंकि उसके साथ दिक्कत थी अच्छा फिर उसके पास एक लड़की आई थी इस पैराग्राफ के हिसाब से अच्छा वो डरी हुई थी और उसके हाथ में बर्ड था इस पैराग्राफ के हिसाब से अच्छा फिर उसने ये पूछा तो आप पैराग्राफ का जिस्ट निकालते हो कि अच्छा ये पैराग्राफ ऐसी बात कर रहा है ऐसी बात कर रही है ऐसी बात कर रही है ऐसी बात कर फिर आप सोचते हो कि ये ऐसी बात करते करते राइटर कहाँ पहुंचाना चाह रहा है फिर उस चीज से आप एनालाइज करते हो कि इस इस जो तरीका है लाइटर का उसकी टोन क्या है या फिर इसका ल, क्या कहते हैं थीम क्या है इस चीज की ठीक है तो अगर मैं इस चीज की टोन बताऊं तो ये डिस्क्रिप्टिव टोन का पैसेज है जिसमें आपको बताया जा रहा है मान लो एक इवेंट एक, एक, एक डिस्क्राइब किया जा रहा है ठीक है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ तो ये एक टाइप का नरेटिव टोन है कि एक कहानी ऐसी थी जिसमें ऐसा ऐसा हुआ वैसा वैसा हुआ यही तो पता लग रहा है ना हमें तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम और इसको फिर मैं समझा दूंगी कि कैसे करना है चीज है चलो क्लास को एंड करते हैं अगली क्लास होगी पांच बजे जिसने आना है बड़ी खुशी से आ सकता है जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती थी ना हमेशा कि भैया हमसे वो क्या नहीं हो रही ये नहीं हो रही वो नहीं हो रही तो अब मैंने ये किसका समाधान निकालने की कोशिश की है रोज आधा घंटा मैं क्लास लूंगी वो कैब की आपको उस टाइम देखनी है आप 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 उस टाइम देखो देखो रात को सोते हुए देखनी है मिनट मिनट पे आप देखो। आप वो कैब रोज, 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 रोज। तो मैं कराऊंगी खूब सारी प्रीवियस ईयर की वो कैब कराऊंगी सारे प्रीवियस ईयर मैं चलाने वाली हूँ मेरा मन जो है जो आगे ईश्वर जाने क्या हो लेकिन जो मेरा मन है वो ये है कि मैं इतना सारा इसमें करवाने वाली हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ट्वेंटी एटीन नाइनटीन थर्ट ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सारे पेपर हो जाए एम टी एस के भी इसमें हम कवर करें हम सी जी एल के भी कवर करें हम सी एच एस एल के भी कर कवर करें मतलब ऐसी वो कैप पर पकड़ बना ले कि हमें ये हो जाए कि भैया एस एस सी में कोई वो कैप पूछ के देख ले मेरे टिप्स पे तो अगर ये आदत बन जाए मेरी भी और आप लोगों के भी साथ साथ तो बड़ा फायदे बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये सेशन अपनी खुशी और अपनी मेहनत के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम टेक केयर ऑफ योर प्लीज रीड अपनी मेहनत डालो ओके टेक केयर ऑफ टाइम है बजे चलो एक बाय लिख दो मैं स्ट्रीमिंग ऑफ कर दूंगी पांच बजे बेटे पांच बजे तीन बजे ये क्लास पांच बजे वो क्लास <clears throat> बाय एक बाय लिख दो मैं स्ट्रीमिंग एंड कर दूंगी थैंक यू बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया <laughs>